एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। कल यहाँ अमन स्टोर से, भैया की शॉप से, मैं आंश के लिए एक हाथी वाली गाड़ी लेके गई थी, जो घर जाके मैंने देखा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, पुरानी लग रही थी और आंश इसके ऊपर से गिर भी रहा था। यहीं से मैं रिटर्न करने आ गई थी भैया की शॉप पे। भैया पहले मना करने लगे, फिर भैया ने इसे रिटर्न कर लिया। हमें आंश के लिए काफ़ी सारे टॉयज़ देखने लगे। आंश को तो क्या था, सारे टॉयज़ पसंद आ रहे थे। वो तो चाहता था भैया की शॉप ही हम उठा के घर ले जाएँ, बट फिर यहाँ उसके पापा और आंश काफ़ी सारे टॉयज़ भैया से देख रहे थे। अगर गाइस आप लोग भी भैया की शॉप पे आना चाहते हैं तो गीता कॉलोनी के पास अमन स्टोर करके शॉप है, आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं। भैया के पास काफ़ी ऑप्शन थे। यहाँ मैं आयांश के लिए अल्फाबेटिक वाले टॉयज़ भी देखने लगी, बट आयांश अभी इससे खेलेगा नहीं और तोड़ देगा। फिर मैं कुछ और ऑप्शन आयांश से देखने लगी, यहाँ क्या था। फिर देखिए कितने सारे ऑप्शन, और मुझे देखिए एक टॉय कार में इस पर बैठने लगी और ये मुझसे चल ही नहीं रही थी। भैया भी हंसने लगे और भैया कह रहे आपको पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर हमने देखा आयांश के लिए ये माइक, और आयांश इससे काफ़ी खुश भी हो रहा था, और आयांश के लिए हमने ये माइक ले लिया। और लगे हाथ मैंने अपना चैनल भी भैया से सब्सक्राइब करा लिया। गाइस प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल आयांशी दुआ को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर यहाँ हम येलो बॉल गीता कॉलोनी के पास आए, येलो बॉल बना हुआ है। यहाँ की चाप हम हमेशा खाते हैं, बहुत टेस्टी चाप होती है। और उसके सामने ही मैंने देखा एक नया सेटअप, पिएगा तो झूम जाएगा। ये भैया ने नया सेटअप स्टार्ट किया था गीता कॉलोनी के येलो बॉल के जस्ट सामने। आप लोग भी आइए और पिए, बहुत ही टेस्टी भैया की यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी है, मैंने पी थी। गाइस बाय बाय।